गाइस मजबूत पटका लग गया अभी मैंने। से 1500 रुपए लिया उन्होंने। मैं बाहर आके देखा मेरी गाड़ी गायब थी। अभी होने जा रहा है केक कटिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप मेरा लास्ट का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार मिला है उसमें। एंड अभी मैं आपको बता दूं, अभी टाइम हो रहा है 4:30 और एक्चुअली आज हम जा रहे हैं वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने मेरे स्टूडियो पे, तो उसके लिए काफी प्रिपरेशन करना था। बट मैं अभी घर से निकल रहा हूँ। मेरा एक्चुअली प्लान था कि मैं सुबह से ही निकल जाऊँ घर से, क्योंकि डेकोरेशन के लिए कुछ सामान भी लेना था, फिर हेयर भी कट करवाना था, काफी कुछ था, बट वो क्यों नहीं हो पाया मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्योंकि रात को 2 बजे के आसपास मेरा एडिटिंग खत्म हुआ है, फिर मैं सुबह उठ के फिर जो भी म्यूजिक ऐड करना था वो मैंने ऐड कर दिया। प्रॉब्लम ये हो गया गाइस कि रेंडर मेरे को 3 से 4 बार करना पड़ा, बट अभी भी हुआ नहीं है वो। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है मेरे आईफोन में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे फोन से ही मैं एडिट करता हूँ और रेंडर भी ऑफकोर्स मेरे फोन से ही करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कि जब मैं रेंडरिंग के लिए डालता हूँ मेरा वीडियो, तब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं डेकोरेशन का सामान ला पाया ना कुछ। इसके लिए मैं घर पर ही था आज पूरा दिन। तो फाइनली अभी मैंने डिसाइड किया कि अभी मेरे को निकलना है, क्योंकि पार्टी का टाइम है 7 to 9 PM और अभी तक कुछ प्रिपेरेशन हुआ नहीं है गाइस। तो अभी जाना है, पहले अंधेरी डेकोरेशन का सामान उठाना है वहाँ से, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा चुनाभट्टी, फिर वहाँ से कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ले लेंगे, या फिर मैं मंगेश को कॉल करके बोल दूंगा, वो आते वक्त वो भी ले आएगा। फिर उसके बाद मेरा 6 to 7 का क्लास भी, इसके लिए मेरे को अभी जल्दी निकलना पड़ रहा है। तो मैं फटाफट जाता हूँ और आधा घंटा एक्चुअली पार्ला से लगता है मेरे स्टूडियो पहुँचने के लिए। तो जैसे ही मैं अंधेरी पहुँचता हूँ वैसे मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि जो भी डेकोरेशन का सामान लूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी जल्दी ये चक्कर में मेरा इंट्रो ही मैं देना भूल गया। गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसा है? माय नेम इज सुजन मंडल, वेलकम बैक टू माय चैनल मंडली राइड आर्टिस्ट 56। अब मैं निकलता हूँ। मैं फिलहाल अंधेरी पहुंच गया और अभी टाइम हो रहा है 4:52 और गाड़ी को यहाँ पे लगा दिया है मैंने और यहाँ पे अंदर जाना है। यहाँ पे काफ़ी सारे डेकोरेशन के शॉप है, बट हमारा एक फिक्स दुकान है जहाँ पे हम लोग लेते हैं सब सामान, क्रिसमस का हो या जो भी हो, बहुत रीजनेबल भाव में मिल जाता है। कैसे हो? क्वींस अच्छा लगेगा, क्या बोलते हो? हाँ ये देखो ना, क्वीन का है इधर। ये कौन सा है? सुपर वुमन। तो मेरे हिसाब से मैं क्वीन ही लेता हूँ। 20 हो गए ना। आउटलुक कैसा आएगा वो तो मैं आपको बाद में बता पाऊँगा। तो फिलहाल ये ले लिया मैंने, एक दो और एक क्वींस, जो जब वो लोग फैशन शो करेंगे ना तब उनको मैं ये दूंगा। तो अभी वो भाई के पास ऐसा कुछ है नहीं कि वुमेंस डे लिखा हुआ है, तो ये लेटर में मैंने उनको स्टेपल करके बोला है कि मेरे को ऐसे बना के देने के लिए वुमेंस डे पार्टी। और कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है कि और क्या ले सकते हैं। बलून्स लेना नहीं है मुझे, बिकॉज एंड ऑफ द डे में वो फूटने ही वाले हैं, तो पैसा वेस्ट है वो। वो दिखा दो ना मेरे को भाई। तो मैं सोच रहा था जब वो फैशन वॉक करेंगे ना तो सबको ये पहनाएंगे, ऐसे मैं सोच रहा था थोड़ा। तो ये थोड़ा काफ़ी एम्प्टी लग रहा है, आई डोंट नो कैसा लगेगा क्योंकि कभी लिया तो नहीं है मैंने। ये सब इतना ही खाली खाली है क्या ऐसा स्पेस? अच्छे फ्लोर आते हैं। हाँ क्या सब में? ओके, इसमें मतलब ज़्यादा फ्लोर लगाना तो लगा के मिल जाएगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज। हाँ वही है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। मेरे को बड़े फ्लावर्स में चाहिए थे। दिखाओ, पत्ते इसमें भी है लेकिन ये थोड़ा फ्रेश नहीं है शायद। वो दे दो मेरे को, 20 दे दो, 20 कम नहीं पड़ने चाहिए ना। फिलहाल वो भी ले लिया है मैंने। मैं सोच रहा था जब वो लोग फैशन वॉक करें ना तो ये सब पहन के करें तो बहुत अमेजिंग लगेगा, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। एक्चुअली मेरा रेडीमेड था नहीं, तो अभी हम लोग भी ऐसा कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। ये पार्टी तो है, PRT है। भाई घूम गया, पता नहीं कहाँ पे भाई लेकर आए थे, कहाँ गिर गया भाई। इधर ही तो है आपके, इधर है देखो, यहाँ पे गिरा हुआ है। फाइनली गाइस हो गया, ये दो बैकड्रॉप के लिए मैंने, एंड ये वो जब वो लोग फैशन शो करेंगे तब ये और ये उनको देंगे पहनने के लिए। और डबल टेप ले लिया बैकअप के लिए, और ये वुमेंस डे हो गया। बस भाई कर दो इतना ही, चलो हो गया। इसका टोटल बिल हो गया 1585। तो टो वाला लेके गया क्या गाड़ी? टोचन वाला इधर ही लगाया था मैं। कितना टाइम हुआ? ये देखो ना लेके गया, तब का लेके गया। कहाँ मिलेगा ये? RTO ऑफिस इधर है आगे। अच्छा ये अपना ब्रिज के नीचे। गाइस मजबूत पटका लग गया अभी मेरे को। मैं बाहर आके देखा मेरी गाड़ी गायब थी, तो आई थिंक टोचन वाले उठा के लेकर गए और काफ़ी बड़ा फटका लगने वाला अभी मेरे। एक्चुअली सब गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी और 10-15 मिनट का काम था, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। मैं वहाँ पे खड़े रह के कोच को नहीं सकता ना कि यार ये क्या हो गया, ऐसा कैसा हो गया। मैंने फटाफट रिक्शा पकड़ा
अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, अब देखते हो लोग को कितना देना पड़ेगा। और ऊपर से मैं ऑलरेडी लेट हो गया क्योंकि 6 बजे की क्लास है मेरी, और अभी ऑलरेडी टाइम 5:35 हो गया। यहाँ पे काफ़ी रश भी है, बट कोई बात नहीं, यहाँ मतलब जो होता है आई डोंट नो, मतलब मैंने देखा नहीं पार्किंग है नहीं है वहाँ पर, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। तो मैं आपको बता रहा था कि डेकोरेशन का पूरा बिल 1585 दिया है। अभी मैं जा रहा हूँ अंधेरी स्टेशन के ही तरफ, क्योंकि वो लोग वहाँ पे सब गाड़ी उठा के लेके जाके, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, गाड़ी छुड़ा लेता हूँ वहाँ से। ऐसे सिचुएशन में कभी पैनिक नहीं होना, खाली सोल्यूशन ढूंढना कि करना क्या है। अभी मैं पैनिक होता वहाँ पर, मैं रिएक्ट करता, तो अभी शायद से मैं रिक्शे में भी नहीं होता, मैं अभी तक उधर ही होता, और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और ये कब जाके सजाऊंगा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पहले मैं अभी जाता हूँ वहाँ पे, गाड़ी छुड़ा देता हूँ, फिर फटाफट स्टूडियो पहुँचता हूँ, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। अगर कुछ होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ, नहीं तो डायरेक्ट हम स्टूडियो पे ही मिलते हैं। जी मैंने एक से बात करा तो उनको गाड़ी का PUC वगैरह सब उधर चाहिए, लेकिन मेरी गाड़ी के अंदर ही है। दादा गाड़ी से आत्मा भी मज़ा PUC यानी पेपर आए तो मैं हाँ ना, तो अभी वो लोग ने अलाउड तो कर दिया है कि मैं निकाल सकता हूँ मेरे गाड़ी से, क्योंकि मेरे को कुछ अभी इस प्रॉब्लम चाहिए नहीं, फटाफट जाना है वहाँ पे। क्या फ़ाइन है क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बैटरी भी लो हो गई अभी, कोई नहीं, सब एक साथ आया सिचुएशन, बट संभालना अपना काम है। तो इसके अंदर ही है मेरा सब PUC, फिर गाड़ी का इंश्योरेंस और ये RC बुक मेरा। तो ऑलरेडी कितना सारे गाड़ी ये लोग ने जमा कर रखा है यार, कितने सारे गाड़ी है यार, ये अभी फ्रेश उठाया है लोग ने, और मेरी गाड़ी वहाँ पे। और वो दादा अच्छे थे यार, मतलब 1700 प्लस का थोड़ा मेरा फ़ाइन था, क्योंकि सेकेंड टाइम उठाया, फर्स्ट टाइम भी उठाया था उन्होंने मेरी गाड़ी मेरे घर के यहाँ से। तो ये रहा सेकेंड टाइम का बिल, किधर गया, ओके यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मतलब मेरे से 1500 रुपये लिया उन्होंने, तो बोले नेक्स्ट टाइम ध्यान से लगाना। फाइनली गाइस गाड़ी तो छूटने वाली है, बट इस वजह से मेरा क्लास जो था कैंसिल हो गया है, तो अभी आई थिंक डेकोरेशन के लिए मेरे को टाइम मिल जाएगा, बट कोई नहीं, ये सब होता रहता है यार। मैं बस यही बोलूँगा आप लोगों को, पैनिक नहीं होना हर एक सिचुएशन का, उसका बस सोल्यूशन निकालो, तो आई थिंक सब ठीक रहेगा। यही रहा, ये लो। तो मैं बोल रहा था कि पैनिक नहीं होना है कोई भी सिचुएशन पे, सब सोल्यूशन निकालो और सब ठीक ही होता है। तो मेरा क्लास भी कैंसिल हो गया है, कि मंगेश को मैंने कॉल करके बोल दिया था कि पेरेंट्स लोग को बोल देना कि मेरा क्लास कैंसिल करते हैं, क्योंकि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 यहाँ पे ही बच गया। तो बट इसके वजह से मेरे को अभी डेकोरेशन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो ये चाचा खोल रहे, अब ये गाड़ी हमारी हो गई है ना चाचा, चलो थैंक यू। चलो अपना पेपर सब क्लियर था तो इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। ये दूसरा माल आया है, देखो कितने गाड़ी है इसमें, 2 ही गाड़ी है। चलो फाइनली अपनी गाड़ी तो छूट गई है, लेकिन भाई आज जो फटका लगाया ना, मजबूत का फटका लगा है आज, तो अभी मैं निकलता हूँ और आपको मैं स्टूडियो पे मिलता हूँ। फाइनली मैं पहुँच गया अभी स्टूडियो, और स्टूडियो के बाहर हूँ मैं, टाइम हो रहा है 6:45। तो पहले सामान अंदर रख लेता हूँ, फिर मैं आप लोग से बात करता हूँ। गाड़ी यहाँ पे पार्क होती है और यहाँ से कोई नहीं ले जाता गाड़ी। फाइनली गाइस स्टूडियो में पहुंच गया हूं मैं, एंड टाइम तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 6:45। और मंगेश भी चुनापट्टी स्टेशन पहुंच गया, उसका कॉल आया था मेरे को, तो उसको मैंने काम दिया है कोल्ड ड्रिंक्स और प्लेट्स लाने का, तो वो लेके आ रहा है। तो तब तक अभी मेरे पास 15 मिनट है, मैं फटाफट से डेकोरेशन करता हूं, आपको बताता हूं कि कैसे पूरा डेकोरेशन हुआ है। तो पहले मैं बैठ जाता हूं, अब ऐसा सुकून लग रहा है, मतलब स्टूडियो में आने के बाद तो ऐसा सुकून लगता है ना गाइस, क्या ही बताऊं मैं। और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वहाँ से गाड़ी उठा ले जाएगा, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो ये सब इतना सडनली हो गया ना गाइस, मतलब समझ में ही नहीं आया कि करूँ क्या। तो जैसे मैं मेरे डेकोरेशन का सामान लेके निकला, बाहर आके देखा गाड़ी गायब हो गया, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि करूँ क्या उस सिचुएशन पे। कोई बात नहीं, एक क्लास कैंसिल करना पड़ा मेरा, अभी फटाफट से डेकोरेशन में चालू करता हूँ। ये सब चीज़ें हटाना है और यहाँ पर पूरा डेकोरेशन का लगेगा सब चीज़, और फटाफट से सब कुछ करना है, और पूरा ख़त्म होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। celebrating happy women's day to everyone, so thank you so much for coming, thoda taaliyan ho jaye to maza aa jayega।
अभी तो ऑलरेडी मैंने अनाउंस कर दिया था बट कैमरा चालू नहीं था इसके लिए मैं भी वापस से कर रहा हूँ। सो गाइज ये गेम होने वाला है चैलेंज का, मतलब आप एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हो, ठीक है। तो ये गेम का नाम है स्क्वाड्स गेम, ठीक है। जो जितना स्क्वाड करेगा वो टीम विनर हो जाएगा। सो नाउ आपको डिसाइड करना है कि आपकी टीम में से कौन आएगा, ठीक है। अर्चना टाइमर में एक मिनट रहेगा, ठीक है। तो ये वन बाय वन वाला गेम है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो आप एक मिनट में जितना स्कोर करोगे वो मैं काउंट करूंगा, और आप एक मिनट में जितना स्कोर करते हो मैं काउंट करूंगा, फिर रिजल्ट एंड में पता चलेगा कि कौन जीता। एक बार डेमो कर लेते, 1 2 3 go। ओके अभी जैसे कि ये हमारा सेम आया तो, मुझे तो आपको करना है, ठीक है। चलो रेडी 1 2 3 go। ओके आपको करना। So 5 6 7 and go. अभी हम लोग चलते सागरबांध की तरफ और देखते हैं। 5 6 7 and go. तो अभी मैं बताता हूँ कि स्कॉच से कौन जीता। एक मिनट में सबसे ज्यादा स्कॉच की है 54 और एक जन ने स्कॉच में किया 50। तो अभी बताता हूँ कि 54 किसने किया, जिसके हाथ ऊपर आएगा और जीत जाएगा ऑब्वियसली। सो रेडी 1 2 3 चलो 1 6 7 8 9। तो अभी सब्सक्राइबर्स लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे क्वींस मैच मतलब सब कुछ कर सकते हैं, और आपने तो डांस ही देखा रहेगा। बट अभी होने वाला फैशन शो, म्यूजिक लगा दिया जाए, खाली स्पेस बटन दबा देना बस, ये मैं कट कर दूंगा। Are you guys ready? Yes. Yes. Go. डाल देंगे। तो गाइस आर यू रेडी फॉर द रील्स? तो गाइस वुमेन्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो केक के बिना वो अधूरा है। अभी हम लोग केक लेंगे यहाँ से। तो गाइस केक तो हम लोग ने ले लिया है, अभी इसको स्टूडियो में जाके कट करते हैं। ओके केक कट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि रेखा वाला ये जो हमारे यहाँ पे योगा लेने वाली है। हम लोग नेक्स्ट वीक से ही हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर जिसको भी ट्रायल क्लास के लिए आना हो वो आ सकता है। नहीं योगा कीजिए, योगा सबके लिए बहुत अच्छा है, और जब ये आप करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। थैंक यू। ओके ठीक है, मतलब बहुत कम बोलते हैं बट काम बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग केक कट कर रहे हैं, एवरीवन प्लीज कम। सो गाइस अभी होने जा रहा है केक कटिंग, तो आप भी आ जाओ हमारे साथ। फैशन में मेरे को ये देना था आप लोगों को, आप लोग के लिए लाया था मैं ये। बट एनीवेज हम लोग अभी फोटो ले सकते हैं। ओके तो अभी यही बाकी है। सो
So, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो टिल देन गाइस स्टे सेफ स्टे हम्बल स्टे। क्योंकि रात को मेरा 2 बजे तो ये सब छोड़ते हैं। तो गाइस अभी होने जा रहा है कट केक, केक कटिंग, केक कटिंग। आवाज मत करो। सो ये व्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने यही